हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ये मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जॉब आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे बहुत जल्द ही वेरियस वैकेंसीज आने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स में बात करते हैं। फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट होगा, कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, और साथ ही साथ हम लोग पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ज़बरदस्त वैकेंसी को लेकर अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया है फ्रेंड्स कि रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी आई है आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के ऊपर। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने सीट्स पे ये वैकेंसी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो आपको 12,000 प्लस सीट्स के ऊपर ये आपको वैकेंसी आ सकती है, जिसमें से कि फ्रेंड्स 50% सीट्स आपको फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहने वाला है। सपोज अगर 12,000 आपको टोटल सीट्स आएगी, तो आपको जो 6,000 सीट्स यानी 50% आपको फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगा। सो पहले हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ के आपको कांस्टेबल के पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन है, अभी हम लोग पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज लिमिट आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। इस आपको एज लिमिट में जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का और एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स के लिए दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो आपको जो भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने अगर 10th पास कर लिया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आपको एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वो जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो आपको 120 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है, 120 मार्क्स का, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिया जाता है। और ये आपको 90 मिनट्स का टोटल एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका रीजनिंग, मैथ्स और जीए यानी कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स से आपको 35 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन रहते हैं, और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है इस एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपना जो फोकस है ना वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जीके जीएस के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करके आप पढ़ाई करो, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अब बात करेंगे हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। सो इसके लिए आपको हाइट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट का मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 157 सेंटीमीटर आपको रिक्वायर्ड रहेगा। चेस्ट आपको मेल कैंडिडेट के लिए 80-85 सेंटीमीटर्स रहेगा और फीमेल के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रनिंग आपको मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग रहती है, आपको 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स में आपको ये रनिंग कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग होती है और आपको 3 मिनट 45 सेकेंड्स में उस रनिंग को कंप्लीट करना होता है। आपको हाई जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट का रहता है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 3 फीट का रहता है हाई जंप। लॉन्ग जंप आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट्स का रहेगा,
फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 9 फीट का रहेगा। सो ये तो अभी हमने जाना आपको आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो मतलब सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो आपका 2 मेजर आपका रहता है स्टेज, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, फिर आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में आपको पास करना होता है, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आप इस जॉब की ज्वाइनिंग लेटर को आप अचीव कर पाते हो। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, एसआई यानी कि ये आपको डबल स्टार जॉब रहेगा, आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एज ए इंस्पेक्टर वर्क करने का मौका मिलेगा। सो इसके लिए जो आपको एज लिमिट है वो आपका मिनिमम आपको 20 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम आपको 25 इयर्स आपका एज लिमिट रहता है। बट जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जिन भी कैंडिडेट्स ने आपको ग्रेजुएशन के डिग्री को कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम के थ्रू, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल रहेंगे। सो अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। मतलब सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो आपका 2 मेजर स्टेज पे डिपेंडेंट रहता है। फर्स्ट आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होता है, सेकेंड आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 120 रहता है और आपका मार्क्स जो है वो 120 रहता है। मींस कि आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको दिया जाता है। इसमें आपको 90 मिनट्स का पेपर होता है, आपको टोटल 90 मिनट्स का रहेगा और निगेटिव मार्किंग आपको 1/3 का देखने को मिल जाएगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, जनरल अवेयरनेस मैथ्स और रीजनिंग की। सो इसमें जो है फ्रेंड्स आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको मैथ और रीजनिंग से 35-35 आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें भी आपको एग्ज़ाम में आपको इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा। तो आपको इन दोनों ही पोस्ट के लिए फ्रेंड्स जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग अच्छे से आप जनरल अवेयरनेस को फोकस करके आप अच्छे से तैयारी करो ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आपको हाइट की अगर बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको जनरल ओबीसी वालों को मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के मेल को आपको मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए आपका 157 आपका मिनिमम सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, एससी एसटी वालों के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट रिक्वायर्ड रहेगा। लॉन्ग जंप आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 फीट का रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 9 फीट का रहने वाला है। हाई जंप की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच का आपको हाई जंप देखने को मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 3 फीट का रहने वाला है। रनिंग आपको 1600 मीटर करना होता है आपको 6.5 मिनट्स में मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट्स को आपको 800 मीटर की रनिंग होती है आपको 4 मिनट्स में। तो ये सारी ओवरऑल आपको डिटेल्स हो गई आरपीएफ एसआई की पोस्ट का। आपका सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बता दिया। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आप सेलेक्ट हो जाते हो आरपीएफ की एसआई की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारे तो आपको बेसिक डिटेल हो गए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, लेकिन अब हम लोग फाइनल मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म कब आएगा, इसको हम लोग अब ऑनलाइन अप्लाई करना कब स्टार्ट कब होगा ये। सो मैं बता दूँ आपको, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बहुत जल्द ही आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट पे आपको वैकेंसी आने वाली है।
और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको मई 2024 में जो है वो इलेक्शन होने वाला है, तो उसके पहले पहले ही आपका सारा कुछ प्रोसेस कर दिया जाएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। सो ये नहीं टेंशन लेना है कि एग्ज़ाम कब होगा, आपका फॉर्म कब अप्लाई होगा, आप लोग टेंशन फ्री रहो। आपका अगस्त 2023 तक के आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी जो मैंने आपको डिटेल बताई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, अगर उसे समझने में आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हो अपनी। मैं कोशिश करूँगी आपको क्वेरीज़ को एज अ रिप्लाई करके आपको सॉल्व करने का। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करने, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो सब भी इस जॉब की तैयारी को कर पाए, नोटिफिकेशन को समझ पाए। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।